अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पिछली स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में ए शेडो, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स पढ़ूँगा। द हॉल डार्कनेड, शाम्बू सैट थ्रू द ट्रेलर्स एंड स्लाइड एडवर्टीजमेंट्स विदाउट एंथुसियाज्म। हॉल में अंधेरा हो गया और शाम्बू जो था, शाम्बू ट्रेलरों और स्लाइडों वाले इश्तहार बिना किसी जोश के बैठा देखता रहा। आफ्टर ऑल हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन, आखिर में उसका वालिद पर्दे पर आ गया। ही वॉज वियरिंग जस्ट द धोती एंड शर्ट ही यूज टू वियर एट होम, उसने वही धोती और कमीज़ पहन रखी थी जो वो घर पर पहना करता था। एंड देन ए लिटल गर्ल केम अप एंड ही पैटर्ड हर ऑन द हेड एंड स्पोक टू हर एग्जैक्टली एज ही यूज टू स्पीक टू शाम्बू। फिर एक छोटी सी लड़की आई और उसने इस लड़की का सर थपथपाया और इसके साथ बिल्कुल उसी तरह से बात की जैसे वो शाम्बू के साथ किया करता था। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, और फिर वालिद ने उस लड़की को हिसाब पढ़ाया। शी हैड अ स्लेट ऑन हर नी एंड ही डिक्टेटेड टू हर ए कार्ट मैन वॉन्ट्स टू अनाज पर माइल, रामा हैज़ थ्री अनाज ऑन हैंड, हाउ फार विल द कार्ट मैन कैरी हिम। लड़की ने अपने घुटने पर स्लेट रखी हुई थी और उसने लड़की को लिखाया। एक छकड़े वाला था, हर एक मील के दो आने चाहता है, राम के पास तीन आने हैं। उस छकड़े वाले आपको बताना है उसे कितनी दूरी तक ले जाए, वो उसे कितनी दूरी तक ले जाएगा। हाउ फार विल द कार्ट मैन कैरी हिम, द गर्ल च्यूड हर स्लेट पेंसिल एंड ब्लिंकड, लड़की ने अपनी स्लेटी पेंसिल को चबाया और आंखों को झपटा। फादर वाज शोइंग साइंस ऑफ इम्पेशियंस, वालिद में बेचैनी की अलामतें दिखाई दे रही थी। गो ऑन कुमारी सैड शाम्बू मटर्ड, गो ऑन कुमारी शाम्बू मटर्ड, बोलो कुमारी, शाम्बू ने दबी हुई आवाज में कहा। से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव अ स्लैप प्रेजेंटली, कुछ बोल दो नहीं तो अभी तुम्हें थप्पड़ पड़ जाएगा। क्योंकि शाम्बू को पता था जब भी मुझसे ऐसी गलती होती थी तो मेरे वालिद मुझे थप्पड़ मारते थे। शी गेव द राइट आंसर, आई नो him better than you do Kumari, however was a better earth magician than Shambhu. She gave the right Shambhu right answer. Father was delighted. Shambhu ko ye khayal tha ki ye sahi jawab nahi de payegi Kumari in sawalon ka, lekin ye Kumari jo thi ye maths mein bahut acha karti thi, isne sahi jawab diye। और फादर जो था, शाम्बू का फादर, वाज डिलाइटेड, वो खुश हुआ। हाउ ही वुड जंप अबाउट इन शेयर डिलाइट वेन एवर शाम्बू सॉल्वड अ सम करेक्टली, वो किस तरह खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगता था जब शाम्बू कोई सवाल सही ढंग से हल कर लेता। बिल्कुल शाम्बू को वो ख्याल अपने जहन में आते थे। शाम्बू वाज reminded of a particular occasion when by sheer fluke he blundered through a puzzle about a cistern with a leak and a tape above it. Shambhu ko ek khas mauka yaad aaya jab usne bilkul taka laga kar ek mushkil sawal ko hal kar diya tha jo ek aise हाउस के बारे में था जिसमें छेद हो रहा था और जिसके ऊपर की तरफ एक टोंटी लगी हुई थी।
with a leak, cistern with a leak and a tape above it. How father jumped out of his chair when he heard Sambu declared that it would take 3 hours for the cistern to fill again. उसका वालिद उछल कर कुर्सी से बाहर आ गया जब सांबू ने यह कहा कि हाउस को दोबारा भरने में 3 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, एंथ्यूजियाज़म है एक वर्ड, एंथ्यूजियाज़म, ENTHUSIASAM, एंथ्यूजियाज़म मीन्स जोश या हौसला जिसको हम कहते हैं। तो एक और वर्ड है यहाँ पे इम्पेशियंस, IMPATIENCE, इम्पेशियंस मीन्स बेसब्री, बेसब्री, जब इंसान को सब्र ना हो उसको इम्पेशियंस बोलते हैं हम। मटर्ड है एक और वर्ड, MUTTERED, मटर्ड मीन्स दबी हुई आवाज़ में बात करना या बोलना, उसको मटर्ड बोलते हैं हम। इसी तरह से एक और वर्ड है यहाँ पे सिस्टर्न, CISTERN, सिस्टर्न मीन्स हाउस, हाउस जो होता है हमारे बाथरूम में या घर में उसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। तो आई होप कि आपने अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इसका जो अगला पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।